नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में जो कि पार्ट टू है माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कूमो क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, इसको हम सेंकाउ स्पेन ए एंड सेंकाउ स्पेन बी बोलते हैं। ठीक है, जो दो लाइन होती हैं जिनसे कूमो बनते हैं उनको सेंकाउ स्पेन ए और सेंकाउ स्पेन बी बोलते हैं। इनको ना हम अप कूमो और डाउन कूमो भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अप कूमो है वो मैंने ब्लू कलर का लिया है, जो कि हमें बाई का सिग्नल देगा, और डाउन जो कि हमने मजेंटा लिया है, रेड नहीं लिया क्योंकि देखो रेड ऑलरेडी मैं ऊपर ले चुका हूँ, इसलिए मजेंटा ले लिया है। ठीक है, तो चलिए मैं अब चार्ट पे आ जाता हूँ। ये हमारा पूरा सेटअप है जिसमें से कि आपको वीडियो वन में मैं आपको टैंकन सेन और किजुन सेन के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले पहला वीडियो देखिए तब इस वीडियो को देखिएगा। मैं अब चार्ट पे आ जाता हूँ, जहाँ के मैंने यहाँ थोड़ा आपको इतनी लाइनें कन्फ्यूज हो जाओगे तो मैंने एक अलग चार्ट पे निकाल लिया है इनको। मैंने आपको ये दो लाइन समझा दी हैं, अब मैं आपको आज इसके बारे में समझाऊँगा, क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्लाउड हमें क्या सिग्नल देता है बताता हूँ मैं आपको। क्लाउड हमें बाई सेल भी बताता है, ओके, और ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अगर क्लाउड ज़्यादा चौड़ा होगा, थिक होगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये इंडिकेशन देगा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट कब होगा? जब ये नीचे होगा, और रेजिस्टेंस कब होगा? जब ये ऊपर होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि अगर कहीं पे कूमो फ्लैट है, फ्लैट का मीन्स है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लैट है, ये यहाँ पे फ्लैट है, ये देखिए यहाँ पे भी फ्लैट है, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ तो देखेंगे आप ये एक थिक क्लाउड भी है और उसके अलावा ये फ्लैट भी है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, मे बी यहाँ से एक बार को रिवर्सल ले जाए अगर नीचे आता है तो, और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी फिर यहाँ से काफ़ी डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल जैसा कि हुआ नहीं, कल मैं सोच रहा था कि एक बार इसको यहाँ आना चाहिए, बट वैसा हुआ नहीं, ये यहीं पे बार बार सपोर्ट लेके और फिर ऊपर गया। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बाई सेल हमें देता है। जब ये कूमो एक दूसरी लाइन को ये क्रॉस ओवर करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कूमो ट्विस्ट, जो कि हमें बाई और सेल का सिग्नल देता है। बाई ब्लू हमें बाई का सिग्नल देगा और ये मजेंटा हमें सेल का सिग्नल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ब्लू लाइन ऊपर है, ओके, तो यहाँ पे हमें एक बाई का सिग्नल मिला है। और थोड़ा सा देखेंगे आप यहाँ पे कि मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा है। ठीक है, वैसे तो रेंजिंग मार्केट है ये एक, ओके, बट ओवरऑल इसका डायरेक्शन अपसाइड रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये देखिए, ओके, ये एक फ्लैट कूमो है, ये एक थिक कूमो था, इसने इसको क्रॉस और इसको इसने ब्रेक करके नीचे गया, देखो फिर यहाँ से इसने दोबारा, जब इसको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया है बट इसने दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर ये यहाँ पे, यानी ये एक एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था ये। ठीक है, जब इसके नीचे था तो इसने नीचे का मूव दिया है, और जब इसके ऊपर गया तो अच्छा खासा इसने अप मूव दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसको रेजिस्टेंस ऑफर किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक भी हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर इसने इसको देखो यहाँ सपोर्ट दिया है ये, क्योंकि लाइन फ्लैट है, ओके। और जब ये कैंडल स्टिक क्लाउड के ऊपर होती हैं तो उस मार्केट को हम बुलिस बोलते हैं, और जब इसके नीचे होती हैं तो हम उस मार्केट को जनरली बेरिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखेंगे ये एक बुलिस मार्केट है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपने बुलिस क्रॉस ओवर भी हुआ है, और पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पे एक ये एक बाइंग का सिग्नल मिला है हमें, बाद में देखो कूमो ट्विस्ट भी हुआ है। तो देखो अगर यहाँ पे बाई किया होगा किसी ने इस जगह पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा मार्केट ने। देखिए ये भी एक फ्लैट लाइन की तरह है ना, इसको बोलते हैं हम कूमो फ्लोर। तो एक बार इसको क्रॉस करने के बाद इसके ऊपर आया है, तो देखो यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया है, और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है अब डायरेक्शन में। ठीक है, और बहुत बार आप देखेंगे जैसे कि अगर कैंडल स्टिक गिर रही है, ठीक है, ये देखो थिक क्लाउड है,
इस पे यहाँ पे गिर रही हैं, तो मे बी कि यहाँ से रिवर्स हो जाएं इस जगह से, और यहाँ से नहीं होती तो देखो फिर एक बार यहाँ से भी रिवर्स होने के चांसेज होते हैं। तो अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो या तो बेटर है कि वेट करें यहाँ आने का, ओके, या आप अगर यहाँ बाई कर रहे हैं तो पूरी तरह से बाई मत करिए, पार्सली बाई यहाँ करिए, पार्सली यहाँ पे पोजीशन लीजिए, बाई या सेल। जब ये नीचे होगा तो बाई करेंगे आप, जब ये ऊपर होगा तो ऑब्वियसली सेल करेंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ से सेल और इस लेवल से सेल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक थिक क्लाउड था, ओके, यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट ऑफर किया है, एक बार आया फिर वहीं पे स्ट्रगल किया है, फिर नीचे शार्पली इसने ब्रेक कर दिया है। हाँ एक चीज़ और, अगर ये शार्पली ब्रेक करता है तो चांसेज हैं कि मार्केट क्लाउड को भेद के जाएगा, मतलब क्लाउड को क्लाउड में से पार होके प्राइस नीचे एक्शन रहेगा, प्राइस एक्शन नीचे रहेगा, ठीक है। और अगर कैंडल्स कई सारी हैं, जैसे कि दिखाऊं मैं आपको, जैसे देखो यहाँ भी एक सिंपल कैंडल बनी है, एक सिंगल कैंडल ने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया है, प्राइस एक्शन ने एक सिंगल कैंडल में क्लाउड को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे आपने देखा कि फिर ये नीचे नहीं गया है, ठीक है। और बट कई सारी कैंडल्स होंगी, छोटी छोटी कैंडल्स होंगी, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर नीचे आया, यहाँ से इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, ओके। तो बहुत बार आप देखेंगे कि जैसे मार्केट प्राइस एक्शन अप है, प्राइस ऐसे क्लाउड के ऊपर गिरेंगे, क्लाउड से फिर दोबारा से ऊपर चले जाएंगे, तो ये हमें एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ओके। और जब जैसे दिखाता हूँ आपको मैं, इसको हम बोलेंगे कुमो फ्लोर, क्योंकि ये हमारा मार्केट डाउन चल रहा है, बेरिश ट्रेंड है, और देखो कितना अच्छा इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। हम सोच सकते थे यहाँ भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ के लिए भी बचा के रखिए, क्योंकि चांसेज हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी आएगा, ठीक है। देखो ये दो कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे इसने कोमो सीलिंग थी, यहाँ से रिवर्स हो गया, यानी इसने एक बहुत अच्छा लेवल दिया है हमें सेल करने का। अगर हम थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो यहाँ से सेल करेंगे और डेफिनेटली हम एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के जाएंगे, ठीक है। आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद में इसके सारे पार्ट देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, कब आपको सेल करना है, कब आपको बाई करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वन बाई वन चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, जब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको वन बाई वन क्लियर कर रहा हूँ सारे पार्ट्स, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। जैसे देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसके लिए, जब ये ऊपर से गिरा, बट यहाँ से नीचे जब आ गया तो इसके लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हो गया, इसने ब्रेक कर दिया है। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है, ब्रेक हो गया है, डेफिनेटली अगर आप बाई में थे यहाँ कहीं पर तो आपको निकलना है, ठीक है। बट एक चीज़ और आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ से ये क्रॉस ओवर भी मिला है, ठीक है। तो बाई करने से पहले एक बार वेट करिए कि ये लाइन कम से कम एक क्रॉस ओवर तो देती है। तो ये लाइन क्या करेगी, ये क्लाउड्स क्या करेंगे, ये हमें बाई सेल के सिग्नल देंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देंगे, और समटाइम्स हमें SL भी प्रोवाइड करेंगे कि हमें क्या SL रखना चाहिए। मैंने आपको दो चीज़ इसमें क्लियर कर दी हैं, टेंकन सेन, किजुन सेन और क्लाउड। पूरा वीडियो देखिएगा, सारे पार्ट्स देखिएगा तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ आपको, एक बार हम ये पूरा सेटअप सीख जाएँ सारी चीज़ों को धीरे धीरे, फिर मैं आपको सारा एक साथ में बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी इस वीडियो के 3 पार्ट और हैं जो आने वाले हैं। धन्यवाद।